मेरे बहुत परम मित्र, मेरे बहुत खास दोस्त, जिनके कारण ये प्रोजेक्ट मुझे मिला, मिस्टर त्रिलोक सिंह प्रज्ञा दोस्तों। मैं कहीं भी किसी भी मीटिंग में नहीं बोलता, क्योंकि उस व्यक्ति के कारण मेरी दशा और दिशा दोनों बनती है। इससे पहले मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो स्कूलिंग मेरी नैनीताल की है, बाय प्रोफेशनली एमबीए करा, कई लाखों रुपए पढ़ाई में खर्च किया और परिवार का एक बहुत अच्छा सपना था कि अच्छी खासी नौकरी मेरे बेटे को, हमारे बच्चे को मिले। और अच्छी बात यह है कि भगवान पर मेहरबान हुआ, मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी मिली। एक कोरियन कंपनी में मैंने जॉब किया, डेली जॉब करा, उसके बाद में सिद्धार्थनगर शिफ्ट हुआ, एक कोरियन कंपनी है लॉ वाला, और इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी है क्रॉकरी में, वहां मैंने बिजनेस किया, जॉब करी। तो जब एक साल दो साल निकला जॉब में, देखा अपने हालात, अपना बैंक बैलेंस देखा, तो एक चीज समझ में आई कि नौकरी में सिर्फ अपने टाइम पास कर रहा था, हाथ में कुछ भी नहीं था। जब भी दीपावली आ रही है, कई लोगों को मालूम होगा, तो गिफ्ट देने की बात आती थी तो घर में मैं उल्टा गिफ्ट देता था, इस बार मुझे क्या गिफ्ट दे रहे हो, क्योंकि मुझे मेरी जॉब से इतना पैसा नहीं मिलता था कि मैं अपनी फैमिली को कोई गिफ्ट दे सकूं। तो जब आज से 26 महीने पहले त्रिलोक प्रज्ञा जी ने बिजनेस मुझे बताया, तो मैंने बोला कि यानी बिजनेस है क्या, तो उन्होंने बिजनेस के बारे में मुझे बताया कि एक बिजनेस है और इस तरीके से लोग इस बिजनेस में काफी लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो पहले मैंने बोला यार, कई लोग इस बिजनेस को बोलते हैं मेंबर बनाने वाला, शायद आप लोगों ने भी बोला हो या सुना हो, कई लोग बोलते हैं इस बिजनेस को चेन सिस्टम, कई लोग बोलते हैं फंसाने वाला बिजनेस। तो मैंने त्रिलोक जी से बोला, उन्होंने कहा क्या वही बिजनेस है, उन्होंने कहा यस ये वही बिजनेस है, लेकिन आज ये इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का टॉप मोस्ट बिजनेस है, आज सबसे बेस्ट अगर आप देखेंगे तो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस सबसे बड़ा बिजनेस है। तो मैंने ये बात सुनकर बिजनेस को ज्वाइन किया, अपने जॉब को रिजाइन किया और सबसे पहले घर जाकर बताया अपनी मदर को कि मैं अपनी जॉब रिजाइन करके आ चुका हूँ। तो जब मदर ने बात सुनी मेरे मुख से तो काफी गुस्सा आ रहा था उन्हें, क्योंकि उन्होंने पढ़ाया लिखा मुझे इसलिए कि अच्छी खासी नौकरी मिले और मैं उनको बता रहा हूँ कि मैं अपनी जॉब छोड़ के आ चुका हूँ। तो कहीं ना कहीं उनकी आंखों में मुझे एक नाराजगी जरूर झलक रही थी, लेकिन उन्होंने मुझसे एक बात बोली कि विमल, मैंने तेरे को पढ़ाया है, लिखाया है और तेरे भविष्य को मैंने हमेशा देखा कि एक उज्ज्वल भविष्य तो अपनी लाइफ में बनाए। तो आपको लगता है कि आज दो साल के अंदर जब 16 लाख रुपए मेरे घर पर आया होगा तो मेरा परिवार काफी खुश होगा? क्या आज मेरी मदर की आंखों में वही नाराजगी होती होगी जब 1.5 से 2 लाख रुपए महीना मेरे घर पर पहुंचता होगा? आज वो काफी एक्साइटेड रहती है, लेकिन एक चीज मैं क्लियर करता हूँ, कई लोग नए लोग की मैं हाथ दे सकता हूँ जो पहली बार इस मीटिंग में आ रहे हैं, क्या जोरदार ताजा हो सकती है लोगों? बैठा हुआ था और मुझसे भी इसी तरीके से हाथ खड़ा करवाया गया था, नए लोग इतने, तो मैंने भी हाथ खड़ा किया था। तो मैं गारंटी देता हूँ जब 2 साल के अंदर मेरे साथ ऐसा हो सकता तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ भी कम से कम 16 लाख रुपए तो आएंगे। तो दोस्तों बिजनेस बहुत आसान है, बस हमें बदलनी है तो सिर्फ सोच। कई गलतियां जो लोग कर बैठते हैं वो मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने जब उस बिजनेस के अंदर आया था तो सिर्फ एक चीज देखी थी कि मेरे सामने मेरे फ्यूचर में कितनी मेरी जरूरतें हैं, क्या मैं अपने जॉब से एक बहुत अच्छा घर बना सकता हूँ।